के एंगल्स क्या होते हैं? देखिए एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी दो रे जो एक सेम पॉइंट पे आके मिलती हो और एक एंगल फॉर्म करती हो, ठीक है, तो उसको हम एंगल बोलते हैं। कोई भी एक ऐसी दो रे जो सेम पॉइंट पे आके मिले, अब ये दो रे दिख रही है आपको जो कि सेम पॉइंट पे आके मिले, उसको वो एक एंगल फॉर्म करती है। अच्छा, अब इन दो रे को क्या बोला जाता है, इसके आर्म्स बोले जाते हैं, और जिस पॉइंट पे आके मिल रही होती है उसको वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर वन ये है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल, हमको एक एंगल बनाना है। एक एंगल बनाने के लिए आपको ये डी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, पहला क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ आपको, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। तो क्या करना है, एक नॉर्मल लाइन खींचना है हमें, ठीक है, लाइन ड्रॉ करना है एक हमें। उसके बाद आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए। अब आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं इसमें देखो दो लाइन दिख रही है, एक तो ये डी की जो नीचे वाली लाइन है वो, और एक आप यहाँ पर ये क्रॉस में जो लाइन दिख रही है आपको, ये सीधी लाइन जो यहाँ पर देखिए 0 लिखा है और फिर यहाँ पर 180 डिग्री लिखा है, तो ये लाइन, तो हमें क्या करना है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है उस पर हमको ये वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन जो ये सीधी लाइन दिख रही है उस पर रखना है। अच्छा, और एक और बात, इसमें आप देखिए इसमें ये दो नंबर दिए हुए हैं, तो हमको जो ये नीचे वाला जो नंबर दिया है ना उसको लेकर चलना है, ऊपर वाले नंबर को नहीं हम मेजर करते हैं। जब भी हम एंगल बनाते हैं तो हम हमेशा ये नीचे वाले नंबर से ही एंगल बनाते हैं, ऊपर वाले नंबर से नहीं बनेगा। तो कैसे करेंगे हम, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इसका जो पॉइंट था उस पॉइंट को हमें ये जो डी का जो पॉइंट है इस पे इससे मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे हम, ये देखिए हमने नीचे वाली लाइन पे कुछ नहीं रखा है, ठीक है, हमने नीचे वाली लाइन पे नहीं रखा है, हमने कहाँ रखा है, ये जो ऊपर एक जो सीधी लाइन दिख रही है उस पे इस पॉइंट को रखा है। किस पॉइंट को, यहाँ ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को मिलाना है। कैसे, ऐसे, ये जो पॉइंट बनाया था वो और इसको हमने मिला दिया। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 30 डिग्री, अभी देखिए यहाँ पर नंबर में दिख रहा है आपको 30, 0, 10, 20, 30, तो 30 के आगे जो यहाँ है वहाँ पर पॉइंट लगाना है,